किया सर, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मम्मी संघ के द्वारा ये गैरों के 10 साल सजा का जो काला कानून भोपा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली। पूरे भारतवर्ष में आज 3 दिन से चक्का जाम चल रहा है, तो इसी बाबत हम आए हैं कि ड्राइवर अगर 10 साल की सजा 5 लाख रुपए का जुर्माना भुगतेगा तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा। और हिटेन रन का मतलब है रुक के हम ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट हुआ है ड्राइवर से और उस व्यक्ति को हमें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो क्या अमित शाह जी सिक्योरिटी देते हैं कि उस ड्राइवर को वहां जिंदा छोड़ा जाएगा जनता के द्वारा। तो ड्राइवर को क्या है कि सिक्योरिटी देनी है, 10 साल का कानून लागू करते हो तो सबसे पहले ड्राइवर को सिक्योर करना होगा कि वो इसके जनता के हाथे चढ़ गया और खत्म हो जाता है तो ड्राइवर का क्या अमित शाह जी ऐसी पॉलिसी दे रहे हैं जो ड्राइवर सुरक्षा के अंदर सबको समाधान ढूंढ के अपना हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस कानून के विरुद्ध में हम पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम हो रहा है जगह जगह, और 3 तारीख को बीकानेर भी पूरा जिला सभी यूनियन के ट्रक यूनियन फाउंडेशन के समर्थन में है और चक्का जाम रहेगा। काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो बीकानेर पूरा चक्का जाम होने की संभावना बनेगी। आज रात को मीटिंग में दिल्ली फाइनल होगा। नाम बताओ। मेरा नाम हीराराम बिश्नोई, बीकानेर कार जीप यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। कल्याण समिति संपूर्ण भारत की ओर से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते राजस्थान के कार जीप की एसोसिएशन के साथ हमारे साथ में है और इनके साथ जितने भी ड्राइवर है हमारे बीकानेर के, उन ड्राइवरों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो काला कानून लिया है उस कानून को वापस हमेशा ले लें ताकि इसमें ड्राइवर भाई अपनी गरीबी के साथ खेल रहा है उसको ज्यादा खिलवाड़ ना करें, वरना ड्राइवर रोड पे आ गया तो किसी कार्य के हेतु नहीं रह पाएगा और ना ही देश का आदान प्रदान इधर से उधर हो सकता है और देश की जीडीपी नीचे आ सकती है, बर्बाद हो जाएगा। और हमें पूरा देश इतना मालूम है कि टैक्सी ड्राइवर के साथ में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और यहाँ तक कि पुलिस के ड्राइवर भी हैं, उन पे भी ये कानून लागू है। हम ये चाहते हैं कि सारा हमारे साथ समर्थन करे, जिनके पास LD लाइसेंस है वो सब लोग एक साथ मिलकर इसका समर्थन करेंगे तो ये कानून वापस हो सकता है, अन्यथा ये कानून वापस नहीं होगा। क्योंकि कितना भी लोग समझदारी से चलेंगे उसके बावजूद भी ये कानून लागू रहेगा। आज क्या किया? आज हमने सब ड्राइवर भाइयों ने मिलकर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से और राष्ट्रपति के नाम से ताकि उन्हें मालूम चले कि भी जनता परेशान हो रही है, ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। अगर इस तरीके के हालात रहेंगे और नहीं मानेंगे तो शायद मेरे ख्याल से चक्का जाम हड़ताल का भी आज रात को हम विस्तार से सोचेंगे और उसे तय कल या परसों में चक्का जाम हड़ताल बीकानेर में भी करें। नाम बताया आपका? मेरा नाम मुख्तियार खान कोरी, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से राष्ट्रीय।